अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक रैली में विपक्षी नेताओं का जमकर मजाक उड़ाया और उन पर चुटकी भी ली। एक बार देखिए पीएम मोदी ने किस तरीके से ली चुटकी। भाइयों और बहनों, मुझे याद है कि 5 वर्ष पहले जब मैं हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने की बात करता था तो हमारे सामने जो विरोधी दल खड़े थे, उनके नेता थे, वो मेरे मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछ रहे थे पिछले चुनाव में कि मोदी जी बताओ, तुम वोट तो मांगने आए हो लेकिन तुम्हारा कैप्टन कौन है, ये मुझे पूछते थे। और तब मेरा जवाब होता था कि हरियाणा के जनता के आशीर्वाद मिले तो हरियाणा को एक मजबूत सक्षम कैप्टन भी मिलेगा, और अकेला कैप्टन नहीं मजबूत टीम भी मिलेगी। आज 5 साल बाद कैप्टन भी पूरी बुलंदी के साथ आपके सामने है और मजबूत टीम भी आपने देखी है। यही टीम है जिसने विकास के मामले में हरियाणा को अग्रणी रखा है, अव्वल रखा है। संयोग देखिए, जो तब मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल करते थे वो आज अपनी बिखरी टीम को ही समेटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो खुद को जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो रोज बिखरते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अपने अपने स्वार्थ की वजह से, अपने अपने अहंकार के कारण, अपने अपने कुनबे की हिफाजत के लिए और इसी वजह से बिखरते हुए लोग क्या हरियाणा के विकास के बारे में सोच पाएंगे, हरियाणा का भला कर पाएंगे, हरियाणा का विकास कर पाएंगे, कोई संभावना है इससे? स्वार्थ और भ्रष्टाचार की राजनीति, ये हरियाणा की जनता का संस्कार नहीं है। ये धरती तो भारत मां की जय बोलते हुए हाथ में तिरंगा के लिए जीने मरने का प्रण लेकर के चले हुए सीमा पर दुश्मनों के होश उड़ा देने वाले ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्याग और तपस्वियों की धरती है। और ये धरती खेल की दुनिया में छा जाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियों की धरती है। ये इस धरती का, यहां के लोगों का सहयोग और समर्थन है जिन्होंने मनोहर लाल जी और उनकी टीम को ताकत दी है। आपका यही आशीर्वाद हमें लोकसभा के चुनाव के दौरान भी मिला है।
विशेष तौर पर हमारे युवा साथियों ने, किसान और श्रमिक साथियों ने, हमारी बहनों ने नई उम्मीदों और नए सपनों के लिए कमल के निशान पर बटन दबाया। साथियों, तब मैंने कहा था कि हरियाणा ने जो मेरी परवरिश की है, हरियाणा ने जो संस्कार मुझ में गढ़े हैं, उनका मान और सम्मान मैं सर्वोच्च रखूंगा, ये मैंने आपको वादा किया। नई सरकार बने अभी बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन आपके सामने रखा हर संकल्प मैं तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।